राज्यसभा चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया और उम्मीद है कि हमारे दोनों उम्मीदवार और एनडीए के उम्मीदवार मिलाकर सभी लोग निर्विरोध चुनाव जीतेंगे। एक सब राजद के तरफ से एमएलसी प्रत्याशियों की घोषणा की गई और ये कहा गया कि ये ए टू जेड की पार्टी है, आम कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। देखिए, पहले तो उनको समर्थन जुटाना है, या तो माले का समर्थन उनको प्राप्त हो या कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त हो, तभी तो वो तीन उम्मीदवार के लड़ने लायक हैं। नहीं तो ये जो तीन उम्मीदवार उतारे हैं उनके संख्या बल के हिसाब से तो दो ही उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन उन्होंने यदि तीसरा उम्मीदवार उतारा है तो उसमें किसी न किसी का समर्थन चाहिए, तो पहले समर्थन बताना चाहिए तब उम्मीदवार उतारे। माले तो नाराज है, तो क्या इसका असर कुछ नहीं? नहीं, अब तो वो माले को तय करना है या कांग्रेस पार्टी को तय करना है। एनडीए अपना उम्मीदवार उतारेगी और हम लोग अपने उम्मीदवार जब उतारेंगे तब आपको बताएंगे कि विस्तार से कि हमारा गणित क्या है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।